Hello guys, welcome to Techno for You and I'm your friend Sobik with you. आज हमारे बीच है दो चीप कॉस्ट ब्लूटूथ नेकबैंड ईयरफोन और दोनों का ही प्राइस है 600 रुपए के अंदर। इस वीडियो से हम जानेंगे कि दोनों नेकबैंड में से बेस्ट कौन सा है एंड कौन सा ईयरफोन परचेस करना बेहतर होगा। सो कंपेयर करने से पहले इन दोनों नेकबैंड्स में एक सिमिलैरिटी है और वो है ब्लूटूथ वर्शन। दोनों नेकबैंड में ही ब्लूटूथ वर्शन 5.2 मिल जाता है बट परफॉर्मेंस एक दूसरे से बहुत ही अलग है। सो इन दोनों ईयरफोन के कंपेयर में फर्स्ट आता है डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। पीट्रॉन टेंजेंट डुओ एक नॉर्मल टाइप नेकबैंड ईयरफोन है बट पोट्रॉनिक्स Z1 एक वायर टाइप नेकबैंड ईयरफोन है। प्राइस वाइज जहाँ पे दोनों नेकबैंड ही पसंद आने के लायक है, अटैच्ड वायर क्वालिटी पोट्रॉनिक्स Z1 के मुकाबले पीट्रॉन डुओ का ज़्यादा थिक है एंड क्वालिटी वाइज ये कुछ हद तक अच्छा भी है। टेंजेंट डुओ के ईयरबड्स में मेटल एंड प्लास्टिक का कॉम्बाइंड फिनिश मिल जाता है बट पोट्रॉनिक्स में ईयरबड्स टोटली मेटल का है जो दिखने में भी प्रीमियम सा लगता है। बट दोनों ईयरफोन में से पोट्रॉनिक्स Z1 के नेकबैंड का वेट बहुत ही कम है कंपेयर टू पीट्रॉन टेंजेंट डुओ। एडवांस ब्लूटूथ वर्शन रहने के कारण ब्लूटूथ रेंज दोनों ईयरफोन से ही 30 से 35 फीट तक मिल जाता है बट द बिग डिफरेंस इज पीट्रॉन टेंजेंट डुओ जहाँ पे गेमिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वहाँ पे पोट्रॉनिक Z1 कुछ हद तक गेमिंग में अच्छा परफॉर्म करता है बट प्राइस वाइज उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा आपको दोनों नेकबैंड का ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस। इसके अलावा पोट्रॉनिक Z1 ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए भी अच्छा साथ देता है, ऑफलाइन वीडियोस और मूवीज़ के लिए दोनों नेकबैंड से ही अच्छा रिस्पांस मिल जाता है। पोट्रॉनिक Z1 में कोई ऑडियो कोडेक नहीं मिलता है, वहाँ पे टेंजेंट डुओ में AAC एंड SBC कोडेक मिल जाता है पर इससे टेंजेंट डुओ ईयरफोन के साउंड क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं रहता है। उल्टा Z1 में कोई कोडेक ना रहने पर भी इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी इट्स बेटर देन पीट्रॉन डुओ। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो पीट्रॉन में साउंड लाउडनेस अच्छा है, बेस के मुकाबले ट्रिबल रेट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक प्ले करेंगे तो बेस अच्छा मिलेगा पीट्रॉन डुओ में। दूसरी तरफ पोट्रॉनिक Z1 में ट्रिबल रेट एंड बेस रेट अच्छे से बैलेंस्ड मिल जाता है। सो फ्लैट सॉन्ग्स के लिए बैलेंस्ड साउंड एंड हाई बेस ट्रैक के लिए पंची बेस बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। सो इन टर्म्स ऑफ साउंड द विनर इज पोट्रॉनिक्स Z1। इसके अलावा दोनों नेकबैंड में ही स्टीरियो इफेक्ट्स अच्छा मिल जाता है और साउंड डिस्टॉर्शन भी फुल वॉल्यूम में रहता है, लेकिन क्योंकि ये दोनों ईयरफोन से ही बहुत लाउड आउटपुट मिलता है इसलिए 60-70% वॉल्यूम ही काफ़ी है म्यूजिक का मज़ा लेने के लिए। हैंड्स फ्री कॉल क्वालिटी दोनों ईयरफोन में ही लगभग सेम है। नॉइजी एरियाज में परफॉर्मेंस दोनों से ही खराब मिलता है। इंडोर यूज़ के लिए परफॉर्मेंस एवरेज है और 600 के अंदर यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ईयर कंफर्ट के लिए पोट्रॉनिक Z1 को मैं प्रेफर करता हूँ इसके स्मॉल ईयरबड्स के वजह से, बट दोनों ईयरफोन का ही ईयरबड्स ईयर पे परफेक्ट ग्रिप देता है। सो दोनों में से जो भी पसंद हो जिम और जॉगिंग के लिए पिक किया जा सकता है। फंक्शनल बटन रिस्पॉन्स में आई थिंक पीट्रॉन डुओ पोट्रॉनिक Z1 से बेहतर है। म्यूजिक प्ले पॉज ट्रैक चेंज वॉइस असिस्टेंट एंड कॉल्स के मामले में पीट्रॉन डुओ ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स करता है और मेरे हिसाब से 600 के अंदर पीट्रॉन डुओ ही एक नेकबैंड है जिसका फंक्शनल बटन रिस्पॉन्स इतना क्विक है। ब्रांड दावा करते हैं कि पीट्रॉन डुओ से 24 घंटे और पोट्रॉनिक्स हार्मोनिक्स Z1 से 15 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा बट रियल टाइम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो पीट्रॉन डुओ से 50-70% वॉल्यूम में करीब 12 घंटे और फुल वॉल्यूम में 7-8 घंटे प्ले टाइम मिलता है और दूसरी तरफ पोट्रॉनिक Z1 से 50-70% वॉल्यूम में करीब 8-9 घंटे और फुल वॉल्यूम में 6 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है। टेंजेंट डुओ के टाइप सी चार्जिंग पोर्ट रहने पर नेकबैंड 1-1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और पोट्रॉनिक्स में माइक्रो USB पोर्ट रहने के कारण
देर से 2 घंटे में ये नेकबैंड फुल चार्ज होता है। दोनों ईयरफोन में से कौन सा परचेस करना चाहिए, अगर यही आखिरी सोच है तो मैं कहूँगा अगर आपको हाई बेस पसंद है तो पोट्रॉनिक्स, और अगर बेस आपके लिए कोई इशू नहीं रखता है तो पीट्रॉन डुओ। बेसिकली प्राइस वाइज सिर्फ साउंड ही ऐसा एक पॉइंट है जो चीप कॉस्ट ईयरफोन के मेन फीचर होता है, बाकी सब फीचर के लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा। सो आज यही पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और दोनों में से कोई भी एक परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से परचेस कर सकते हैं, ताकि आगे जाके मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस ला सकूं। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे कोई अच्छे और नए प्रोडक्ट के साथ। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।